वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, स्पेसिफिकली डेंसिटी बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ऑलरेडी हम 3 से 4 ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन कर चुके हैं, सो फर्स्ट हम उनकी बात कर लेते हैं कि वो कौन सा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम थे, उनकी क्या फीचर्स थी। जो फर्स्ट हमने ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन किया था आर्डिनो उनो को चूज़ करके, जिसमें हमने 7 सेगमेंट्स यूज़ किए थे और सिंपल ये ट्रैफिक लाइट्स यूज़ की थी। वो जस्ट सिंपली एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम था जो कि टाइमर बेस्ड था। एंड देन हमने एक स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन किया था जो आर्डिनो यूजिंग आर्डिनो। एंड देन हमने एक ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन किया था जिसमें हमने पिक कंट्रोल को यूज़ किया था। सो आज हम यूज़ करने वाले हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर आर्डिनो मेगा और सम ट्रैफिक लाइट्स, जिसमें ये ट्रैफिक सिग्नल जो है स्पेसिफिकली डेंसिटी बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है। सो लास्ट जो भी हमने ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन की है, लास्ट हमने 3 वीडियोज़ जो ऑलमोस्ट अपलोड की हैं ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर, और उनमें हमने ये फीचर ऐड नहीं किया हुआ था जो कि डेंसिटी बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो। कुछ इसमें से एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने स्मार्ट डिसीजन लिए थे, वो स्मार्ट डिसीजन ले सकता था बट वो डेंसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता था। एक ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम था यूजिंग पिक कंट्रोलर, सो उसमें भी डेंसिटी का फीचर ऐड नहीं था। सो आज हम एक और फीचर ऐड करने वाले हैं जिसमें हमने डेंसिटी को कंट्रोल करना है। डेंसिटी की बेस के ऊपर इसका जो टाइमर होगा वो एडजस्ट होगा और ट्रैफिक लाइट्स का जो टाइमिंग है उसी बेस के ऊपर एडजस्ट करेगा। लेट्स से अगर इस लाइन के ऊपर रश ज़्यादा हो जाता है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो आर्डिनो कंट्रोलर का टाइमर इस साइड का जो टाइमर होगा उसको इंक्रीज़ कर देगा और बाकी साइड्स के टाइमर्स को डिक्रीज़ कर देगा, सो दैट जो कम रश वाली लाइन है वो कम टाइम के लिए ओपन हो और जो ज़्यादा रश वाली लाइन होगी वो ज़्यादा टाइम के लिए ओपन हो। इसे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है, बट मेन ऑब्जेक्टिव और मेन आइडिया ये होगा कि हम इसकी डेंसिटी को कंट्रोल करेंगे। ये हमारा आज का जो प्रोजेक्ट है इसका मेन फोकस डेंसिटी को कंट्रोल करना होगा स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे आपने डेंसिटी को कंट्रोल नहीं किया जितने भी स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल डिज़ाइन किया लास्ट टाइम। सो आज हम उस फीचर को भी ऐड कर दिया है। सो अगर आपने बाकी वीडियोज़ को देखना है जिसमें हमने स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, सिंपल ट्रैफिक सिग्नल और ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल यूजिंग पिक कंट्रोलर डिज़ाइन किया है, आपको आई बटन के ऊपर भी वो वीडियोज़ मिल जाएगी और आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। आप वो सारी जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल है चैनल के ऊपर, आप उन्हें भी देख सकते हैं। सो फर्स्ट मैं रिकमेंड करूँगा आप उन वीडियोज़ को देख लें, आपको इस प्रोजेक्ट के ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट आपको जल्दी समझ आ जाएगा अगर आप उन वीडियोस को चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि उनमें मैंने बेसिक डिस्कस की हुई है कि एक ट्रैफिक सिग्नल काम कैसे करता है। सो अगर आप वो बेसिक क्लियर हो जाएगी तो इस ट्रैफिक सिग्नल को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में हमने जस्ट 1 फीचर ऐड किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ट्रैफिक सिग्नल के लिए और बड़े स्मार्ट डिसीजन के लिए। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अगर हम डेंसिटी को कंट्रोल कर लेंगे। तो एक ट्रैफिक सिग्नल में होता ही डेंसिटी का कंट्रोल है, अगर हम डेंसिटी को कंट्रोल कर लेंगे तो इससे बड़ा फीचर और कोई नहीं हो सकता। सो आप वो वीडियो चेकआउट कर लें, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी और इस प्रोजेक्ट का आप ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट की बेसिक्स की, ये प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है, एंड देन मैं इसको डेंसिटी को डिस्कस कर लेता हूँ। सो अभी हमारे पास जो है ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, सिंपल ट्रैफिक लाइट्स हैं, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये 4-वे ट्रैफिक सिग्नल एग्जैक्टली सेम ही मैंने उस वे को यूज़ किया है और बाकी हमने कंपोनेंट्स ऐड किए हैं। सो ये सिंपल ट्रैफिक लाइट्स हैं, 3 LEDs हैं इसके अंदर, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड, सिंपल ट्रैफिक सिग्नल जो आपको आइडिया होगा इसके अंदर। हमने जस्ट टाइमर यूज़ नहीं किया, बाकी एग्जैक्टली सेम ट्रैफिक लाइट्स हैं। सो ये 4 ट्रैफिक वे है जिसमें हमने ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का नाम दिया हुआ है। इसमें डबल रोड्स हैं, इसमें भी डबल रोड हैं। सो ये बेसिकली 1 वे एंड 2 वे रोड्स हैं बेसिकली, और 2 वे लेफ्ट राइट हैं। टोटल हमारे पास जो है वो 8 सिग्नल्स हैं, 4 सिग्नल जो हैं वो ट्रैफिक के लिए हैं और 4 जो सिग्नल्स हैं ये बेसिकली पेडेस्ट्रियन के लिए हैं, पैदल चलने वाले हजरात के लिए हैं जो लोग वन साइड से नेक्स्ट साइड में मूव करते हैं रोड से यूजिंग पेडेस्ट्रियन लाइट्स। तो हम इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं बेसिकली इस पुश बटन से, और जो LEDs हैं कंट्रोल ये हमारी बेसिकली कंट्रोलर होती हैं आर्डिनो कंट्रोलर से, और जो हम कंट्रोल करेंगे डेंसिटी वो हमारा ये वाला काम कर देगा जो कि हमने न्यू फीचर ऐड किया है। अच्छा अभी हम डिस्कस करेंगे ना, सो अभी बेसिकली ओवरऑल हमें आइडिया हो गया ये प्रोजेक्ट कैसे चलेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे ये डेंसिटी को कंट्रोल कैसे करेगा, एंड एंड पे मैं इसको सिमुलेट करूँगा, इसके रिजल्ट दिखाऊँगा कि ये कैसे डेंसिटी को कंट्रोल कर रहा है और हम इसके टाइमर को कैसे चेंज कर लें। सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये सिग्नल सिंपली रन करेगा आर्डिनो के ऊपर, इसका कोड चलेगा और ये टाइम के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में चलेगा। और जब हम डेंसिटी की बात करें ये डेंसिटी को कैसे कंट्रोल करेगा, तो उसके लिए ये है भाई साहब क्या नाम है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करेंगे, स्टेपर मोटर के ऊपर लगे होंगे। स्टेपर मोटर क्या करेगी, स्टेपर मोटर भी हो सकती है और ये सर्वो मोटर भी हो सकती है। स्टेपर मोटर की एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होती है, सर्वो मोटर जस्ट मूव करती रहेगी एक स्पेसिफिक एंगल्स के अकॉर्डिंग। सो लेट्स अज्यूम कर लेते हैं हम ये 360 के एंगल के ऊपर मूव करेगा। सो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया अल्ट्रासोनिक सेंसर,
अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारा 360 के अकॉर्डिंग मूव करेगा, और अल्ट्रासोनिक सेंसर एक अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वेव्स हैं उनको सेंड करेगा। अल्ट्रावायलेट वेव क्या करेंगी, उन वेव से जो हैं व्हीकल्स हैं उनसे कोलाइड होंगी और बाउंस बैक होंगी इस रिसीवर के ऊपर। इसमें से एक ट्रांसमीटर होगा। आप बेसिक्स देख लीजिएगा मेरे चैनल के ऊपर, ऑलरेडी अल्ट्रासोनिक सेंसर को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि इसकी वर्किंग क्या है। तो अगर इसकी वर्किंग आपको आइडिया नहीं होगा तो ये आपको समझ नहीं आएगी, तो इसकी वर्किंग बेसिकली देख लीजिएगा। सो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे कि ये एक सेंसर जो है ट्रांसमीटर सेंड करेगा वेव्स को, और जो रिसीवर है वो उन वेव्स को रिसीव करेगा कोलाइड होने के बाद। अगर ज़्यादा व्हीकल होंगी तो ज़्यादा वेव बाउंस बैक होंगी, अगर कम व्हीकल होंगी तो कम वेव बाउंस बैक होंगी। सो बेसिकली हम इसका डिस्टेंस भी मेजर कर लेंगे और उसकी डेंसिटी भी मेजर कर लेंगे। अगर ज़्यादा वेव बाउंस बैक होंगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादा व्हीकल्स हैं और यहाँ पे कम व्हीकल्स हैं, जस्ट एज एग्जाम्पल। सो ये 360 में मूव कर देगा तो इसने एक डिसीजन लेना है कि कौन सी साइड के ऊपर वेव जो हैं बाउंस बैक ज़्यादा हुई हैं। सो अगर ज़्यादा बाउंस बैक होंगी तो हम उस साइड का क्या करेंगे, इसको इंस्ट्रक्शन देंगे आर्डिनो को अल्ट्रासोनिक की मदद से, किस साइड का जो है रश है, जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो आप क्या करें इस एलईडीज़ का जो ग्रीन सिग्नल का टाइम है उसको इंक्रीज़ कर दें और बाकियों को डिक्रीज़ कर दें। ऑटोमेटिकली जस्ट हमने टाइमर को चेंज करना है, डिले के फंक्शन को इंक्रीज़ कर देना है, तो वो साइड का हमारा जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और बाकियों का इसका जो ओपन वाला साइड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका क्लोज होने का जो रेड सिग्नल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो ये सेंसर मूव करता रहेगा, जोन सी साइड का भी डेंसिटी का जो है इसका जो रश का वाला है पार्ट है वो इंक्रीज़ होगा, ये ऑटोमेटिकली उस साइड का ये टाइम है इंक्रीज़ कर लेगा। सो ये सिंपल वर्किंग है जो अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारा। सो अगर एक्चुअली आपको एक जहन में आ रहा होगा कि इसकी रेंज क्या है, सो ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है डिफरेंट रेंजेस में मिल जाते हैं, ये अनयूजुअली 30 मीटर की रेंज का भी होता है। सो आप जितनी रेंज का भी रिक्वायर्ड होगा ये आपको उसी रेंज के रिस्पेक्टिव से मिल जाएगा, अगर आप बड़े लेवल के ऊपर भी इसे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं प्रैक्टिकली भी। सो ये यूजली यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर ये सेंसर यूज़र होता है, लेकिन अगर आप हाई लेवल के ऊपर या कंपनी एज ए कंपनी के तौर पर काम कर रहे हैं तो इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको डिफरेंट रेंजेस में ये सेंसर मिल जाते हैं, तो आप इसे प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अभी हम इसको रन करेंगे और उसके सिमुलेट करेंगे कि ये कैसे काम कर रहा। सो अगर हम सिमुलेशन यूज़ करें तो इसको हम यूजली यू कैन नो दैट कि हम इसे मूव नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास सिमुलेशन है, तो हम सेंसर को किसी स्टेपर मोटर के ऊपर मूव नहीं करा सकते। तो आप प्रैक्टिकली इसे मूव कर रहा होगा तो उसके लिए इस पिन की ज़रूरत नहीं होगी, ये एक एज ए टेस्टर पिन है इसको टेस्ट करने के लिए। तो हम इसे टेस्ट करेंगे, इसको वेरी करेंगे, तो इसका डिस्टेंस जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे, जिससे हम आइडिया लगा लेंगे कि कौन सी साइड के ऊपर रश ज़्यादा है। जस्ट हम अज्यूम करें कि ये सेंसर मूव कर रहा है और इस टेस्ट पिन को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे, तो ये हमारा जो है डिस्टेंस या रश हमारा जो है डेंसिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही होगी। ये पुश बटन ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम, ये प्रोजेक्ट जो हम डिस्कस किया था तो उसमें ये पुश बटन एज ए पेडेस्ट्रियन है, इसको हम पुश कर देते हैं तो ये वाली लाइट जो है वो ऑफ हो जाती हैं और ये पेडेस्ट्रियन की लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है एज ए ग्रीन सिग्नल, तो आपके जो पैदल चलने वाले हजरात हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इसको हमने अभी ऑटोमेटिक नहीं रखा हुआ, सेमी ऑटोमेटिक है, इसको भी हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं आर्डिनो से, तो ये हमने अभी इसको पेंडिंग में रखा हुआ है। तो अभी हम इसको सिमुलेट करेंगे, मैं इसको सिमुलेट करता हूँ एंड देन हम इसे प्रोग्राम को डिस्कस कर लेंगे। इसको मैंने फर्स्ट सिमुलेशन रन कर दिया, हमारे पास सीरियल मॉनिटर कनेक्टेड है, यहाँ पे सीरियल मॉनिटर को हमने कनेक्ट किया है सो दैट हम इसके डिस्टेंस को मेजर कर सकें। सो अभी जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है एक्चुअली 0 इंचेस एंड 260 इंचेस एंड 664 सेंटीमीटर। सो ये बेसिकली हमारा जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर्स में है। डिस्टेंस का मतलब एक्चुअली हम ले रहे हैं इसको एज ए डेंसिटी बेस में, आप इसको किसी भी मैसेज में प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी कन्वर्जन आप कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास इसका कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं था तो इसको मैंने एज ए डिस्टेंस में ही लिया हुआ है अभी, तो आप इसको स्पेसिफिक परसेंटेज में ले सकते हैं या किसी भी डेंसिटी के यूनिट में ले सकते हैं। तो अभी मैं इसको इंक्रीज़ करने वाला हूँ फर्दर, लेट से मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, तो ये इंक्रीज़ करने के बाद अभी क्या होगा, ये साइकिल कंप्लीट होगा तब ये इंक्रीज़ होगा, ये एलईडी जब क्रॉस होगी तो इसका मतलब है कि अब जो न्यू टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं डिस्कस कर लेता हूँ प्रोग्राम में कि हमने कैसे टाइम को एडजस्ट किया हुआ है, तो ये इसका मतलब है इसको मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, इसकी डेंसिटी को इंक्रीज़ किया है, तो इसका मतलब है कि उस साइड का जो रश है जौन सी भी साइड के ऊपर ये मूव कर रहा है तो इसका साइड रश इंक्रीज़ हो गया, इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हमारे पास डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा और उस स्पेसिफिक साइड का जो है टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सो लेट्स से ये फर्दर मूव करेगा, इसके कंप्लीट होने के बाद ये चेक करें 3110 इंचेज़ इंक्रीज़ हो चुका है और हमारा जो टाइम है वो जिस जौन सी साइड के ऊपर ये मूव कर रहा था और जौन सी साइड के ऊपर ये न्यू वैल्यू अपडेट हमने एक्चुअली सिमुलेशन में अपडेट किया है, तो प्रैक्टिकली जब हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रही होगी। तो जैसे ही ये वैल्यू इंक्रीज़ होगी ऑटोमेटिकली हमारा उसी साइड का जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो लेट से मैं इसे फर्दर इंक्रीज़ करता हूँ, ये नेक्स्ट साइकिल के ऊपर ये अगेन इंक्रीज़ हो जाएगा।
यू कैन सी अभी ये कंप्लीट साइकिल इंक्रीज होगा, जब ये साइकिल ये कंप्लीट होगा तो तभी ये टाइम अपडेट होगा, क्योंकि हमारा सिग्नल का जो टाइम है वो अपडेट भी होना होता है। सो ये ऐसा नहीं होगा कि ये 50 सेकंड के ऊपर ये जो ट्रैफिक सिग्नल चल रहा होगा और विद इन सेकंड हमारा टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ऐसा नहीं हमने सेट किया, क्योंकि उससे सिग्नल डिस्टर्ब होगा। तो हमने क्या किया, ये साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इसके न्यू टाइम को इम्प्लीमेंट नहीं करना। न्यू जो ड्यूरेशन टाइम आएगा वो अल्ट्रासोनिक का, वो नए नए सिग्नल के ऊपर आएगा जब तमाम सिग्नल एक बार ही एक साइकिल कंप्लीट कर लेंगे। सो जो न्यू होगा उसका डेंसिटी का कंट्रोल वो हमारा न्यू साइकिल के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। सो अभी हमारा यहाँ से मूव करेगा नेक्स्ट के ऊपर, तो उस साइकिल के बाद जो हमारा है डिस्टेंस इंक्रीज हो चुका होगा और जो ट्रैफिक सिग्नल है इनका टाइम भी अपडेट हो चुका होगा। सो लेट्स सी कि फर्दर इसको इंक्रीज होना चाहिए। सो इस इंक्रीज़ का मतलब क्या होगा इंचेज में, इसका मतलब होगा कि इसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। सो लेट्स सी, सो यू कैन सी हमारा अगेन थोड़ा सा हमने इसको स्लाइटली अपडेट किया था, तो इसका मतलब 333 इंचेज़ एंड 852 सेंटीमीटर। सो इसको बेसिकली मैंने जस्ट डिस्टेंस ही प्रिंट किया है, एक्चुअल में इसका मतलब डेंसिटी है, ये डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि उस साइकिल को जो टाइम है वो फर्दर इंक्रीज़ हो चुका है, और ये हमारा जो है कोड इसको हम डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, और इसको हम फर्स्ट लास्ट साइकिल में देख लेंगे कि ये कितना डिक्रीज़ हो चुका है। तो इसको हम जितना डिक्रीज़ करेंगे उससे क्या होगा, उससे हमारा जो टाइम है साइकिल है इसका जो ट्रैफिक कंट्रोल लाइट्स का जो टाइमर है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि रश कम है उस साइड के ऊपर, तो उसका जो ग्रीन सिग्नल का टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और रेड सिग्नल का टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये बेसिकली ये इस तरह कंप्लीट साइकिल में मूव करता रहेगा। अगर हम इस पेडेस्ट्रियन के बटन को पुश कर देंगे तो हमारा सिग्नल जो है वो डिफरेंटली बिहेव करेगा, इससे आप इस लूप से निकल जाएगा। सो अगर हम इसके प्रोग्राम को भी देख लेते हैं, फर्स्ट हम इसे टेस्ट कर लेते हैं पेडेस्ट्रियन के बटन को। सो अभी हमारा क्या हो गया, बाकी सिग्नल हमारा रेड हो गया है, कम्प्लीटली रेड हो चुका है, इस सिग्नल को हमने बंद कर दिया है, और जो हमारा पेडेस्ट्रियन का सिग्नल है ये हमारा कम्प्लीटली रन करने लग जाएगा। सो विद इन 3 to 4 सेकेंड, सो यू कैन सी हमारा जो पेडेस्ट्रियन का सिग्नल है ये ग्रीन ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया। सो अभी हमारा जो पैदल चलने वाले हजरात होंगे वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इस पेडेस्ट्रियन के बटन को हमने सिंपली जस्ट अभी के लिए इसको हमने मैनुअल रखा हुआ है, ऐसे हम ऑटोमेटिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं। आर्डिनो में हम टाइम सेट कर सकते हैं कि 5 सेकंड या लेट से हम 3 मिनट या 2 मिनट के बाद इसको ऑटोमेटिकली ऑन कर देंगे, तो 3 मिनट या 2 मिनट के बाद ये बाकी सिग्नल बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली और ये वाले सिग्नल ऑन हो जाएंगे। अभी इस पुश बटन को मैं क्या करूँगा, जस्ट सिंपली ओपन कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली विद इन 3 to 4 सेकंड ये सिग्नल क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये बाकी सिग्नल क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और विद इन उसी लूप के अंदर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा उसी साइकिल। सो यू कैन सी हमारे पास अभी वैल्यूज़ भी अपडेट आ रही हैं, 150 इंचेस एंड 30, जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं। सो ये यू कैन सी कि हम लाइव चेंज कर सकते हैं इसे अभी जब तक हमारा सिग्नल नहीं चल रहा, लेकिन जब हमारा सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा मूव करना उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम डायरेक्टली लाइव मूव नहीं कर सकते, क्यों, उसमें सिग्नल डिस्टर्ब होगा, क्योंकि अगर 30 सेकंड के ऊपर चल रहा है तो जो व्हीकल्स होंगे वो वेट कर रहे होंगे 30 सेकंड का, ऑटोमेटिकली ये टाइम अपडेट हो जाएगा, तो वो एक डिस्टर्बेंस पैदा होगी जो कि एक इनकन्वीनियंट वे होगा। तो हम क्या करें, इसे कंप्लीट साइकिल होने के बाद ही इसे अपडेट करेंगे। सो ये एक प्रॉपर वे है, इसकी हमने सिमुलेशन टेस्ट कर लिया। थोड़ा सा मैं प्रोग्राम को डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम प्रोग्राम डिस्कस नहीं करेंगे तो इस पेडेस्ट्रियन का हमें आइडिया समझ नहीं आएगा कि ये कैसे टाइम को इंक्रीज़ कर रहा है। तो मैं इसके टाइम के सिग्नल को डिस्कस कर लेता हूँ, सिमुलेशन को मैंने अभी स्टॉप कर दिया। हाँ, ये मेरे पास प्रोग्राम सेक्शन है, यूजली हमने प्रोग्राम को पहले ऑलरेडी एक डिस्कस किया हुआ है, ये टोटल प्रोग्राम है 334 लाइन का। ट्रिक पिन डिफाइन किया हुआ है, अल्ट्रासोनिक की पिन आउट है, यहाँ पे हमने एलईडी पिन आउट डिफाइन किए हैं कि कौन सी एलईडीज यूज़ हो रही हैं सिग्नल में, और यहाँ पे हमने एलईडी पिन आउट एज ए एनालॉग डिफाइन की हुई है जो कि हमारी पेडेस्ट्रियन की लाइट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक टाइमर का सिग्नल, ये बेसिकली ये कन्वर्जन कर रहा है हमारी टाइम की जो कि अल्ट्रासोनिक सेंसर की है। व्हाइट सेटअप में हमें एलईडी पिन को डिफाइन किया हुआ है, कौन सी एलईडी कहाँ कनेक्टेड है और कौन सी एलईडी एज इनपुट काम कर रही है और कौन सी एलईडी एज ए आउटपुट काम कर रही है, ये पिन एज हमारी इनपुट काम कर रही है जो कि पुश बटन के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे हमने एलईडीज को राइट हाई किया हुआ है, कौन सी एलईडीज हाई होंगी और कौन सी एलईडीज लो होंगी। हाई का मतलब होगा वो बेसिकली हाई का मतलब होगा कि ऑन होगी, और लो का मतलब होगा वो एलईडी पिन ऑफ होगी। व्हाइट लूप सेक्शन में यहाँ पर हमने कन्वर्जन की हुई है टाइम की, हमने टाइम को जो हमारे पास सीरम मॉनिटर के ऊपर टाइम कन्वर्ट हो रहा था उसे हमने कन्वर्जन की हुई है सेंटीमीटर्स में, जो अल्ट्रासोनिक सेंसर का टाइम होगा। पल्स इन का जो टाइम होता है वो माइक्रो सेकंड्स में होता है, तो इस माइक्रो सेकंड्स को हमने कन्वर्जन की हुई है इंचेस के अंदर और सेंटीमीटर्स के अंदर। देन हमने सीरम मॉनिटर के ऊपर ये मैसेज प्रिंट किया हुआ है। यहाँ पर हमारी एक्चुअल लॉजिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इम्प्लीमेंट हो रही है एक्चुअली पेडेस्ट्रियन, सॉरी पेडेस्ट्रियन नहीं, क्या नाम है इसका,
डेंसिटी। सो डेंसिटी की जो है हमारी लॉजिक इंप्लीमेंट हो रही है। सो लेट्स से अगर इंचज़ का जो डिस्टेंस है वो 200 से ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा का मतलब है कि उसकी जो परसेंटेज ऑफ डेंसिटी है, डेंसिटी परसेंटेज है, डेंसिटी परसेंटेज है वो इसकी 20%। लेट्स से मैं इसको परसेंटेज में ले लेता हूँ, 20% है। तो वो इस इफ़ कंडीशन के अंदर काम करेगा और इस कंडीशन के अंदर जो भी टाइम सेट होगा सिग्नल का उसी के अकॉर्डिंग ये चलता रहेगा। अगर ये परसेंटेज हम एल्स की कंडीशन में जाएंगे, अगर ये परसेंटेज इससे ज़्यादा है तो इस सिग्नल के टाइम को नहीं चलाएगा, वो क्या करेगा, आर्डिनो एल्स की कंडीशन में जाएगा। मैं एल्स की कंडीशन भी देख लेता हूँ, एल्स की कंडीशन में जाएगा एल्स इफ के अंदर। अगर ये परसेंटेज इंचेस की 300 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, लेट्स से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसका मतलब है 30% से ये इसकी ज़्यादा है डेंसिटी। तो 30% से ज़्यादा है तो ये जोन से भी इसके मूव कर रहा होगा, ये वाला साइकिल मूव कर रहा होगा। लेट्स से ये वाला साइकिल है, ये वाली साइड है, तो इस साइड को क्या कर देगा, इस साइड का ये टर्म जो टाइम है उसको इनक्रीज कर देगा। ये वाला टाइम हम इंक्रीज़ करेंगे, जस्ट इसको हम 5 कर दें। ये हम टाइम खुद सेट कर सकते हैं कि कौन सी साइड का कितना टाइम इसको ऑन करना है, कितना टाइम ऑफ करना है। तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा और ये वाला टाइम हमारा इंचेस में आ जाएगा। तो ये 30% है, इसी तरह हमने इसको फर्दर मूव किया होगा, हम डिफरेंट कंडीशन सेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसकी दो कंडीशन सेट की हुई हैं, 20% और 30%, जो कि 300 और 400 हमारे जो सेंसर की वैल्यूज है। इसको हम मल्टीपल कंडीशन और 100+ मल्टीपल कंडीशन सेट कर सकते हैं। इसको हम 300 कर सकते हैं, इसको हम 500 कर सकते हैं, इसको हम 1000 कर सकते हैं, जो डिपेंडिंग ऑन द अल्ट्रासोनिक सेंसर करेगा। और इसके हम मल्टीपल कंडीशन सेट कर सकते हैं, एक को हम 500 कर दें, एक को हम 700 कर दें, एक को हम 800। तो उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, उतनी ज़्यादा प्रिसीजन होगी उस सिग्नल के अंदर, और वो उतना ज़्यादा एक्यूरेटली काम करेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा व्हीकल जो डिटेक्ट होंगी और जितनी ज़्यादा एक्यूरेट व्हीकल डिटेक्ट होंगी उस हिसाब से वो उसकी जो हमारा टाइम होगा उतना ही सेट होगा। तो उतना ही कम आदमी को वेट करना पड़ेगा, जौन सी लाइट के ऊपर ज़्यादा रश होगा उसकी डेंसिटी जो कंट्रोल हो जाएगी, उससे ज़्यादा रश होगा तो ये जो सिग्नल है वो ज़्यादा ग्रीन होगा, तो इस साइड का रश भी कम हो जाएगा। तो जहाँ पे जो है कम लोग होंगे तो वहाँ पे जो रश है उनकी व्हीकल भी कम होंगी, तो उनका जो सिग्नल है वो कम टाइम के लिए ओपन होगा। तो एक सिग्नल को एक प्रॉपर वे में कंट्रोल करना, उसकी डेंसिटी बेस और अकॉर्डिंग टू, जैसे हम कहते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर ये काम करेगा, तो बहुत ही इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, ओवरऑल लोगों को भी एडवांटेज होगा, और ये इसका जो टाइम है टाइम सेट है वो भी ज़्यादा होगा। तो ये रश को एक बहुत ही स्मार्ट वे में कंट्रोल किया जा सकता है इस सिग्नल को यूज़ करके। एंड सेक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे हमने 300 को डिस्कस कर लिया था, आप कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं। इसको एक्चुअली मैंने फॉर्मल वे में नाम नहीं दिया हुआ, जस्ट इंचेस में दिया हुआ है। तो आपको ज़्यादा अगर बेहतर सूटेबल लगे तो आप इसको डेंसिटी का अपना प्रॉपर यूनिट दें, कि डेंसिटी को हम किस तरह, रश को, जौन सा भी यूनिट होगा आप जस्ट उसके ऊपर, जस्ट उसके नेम से, वेरिएबल से चेंज कर दें। अभी जस्ट फॉर्मली मैं टेस्ट कर रहा था, तो मैंने कैसे सोचा आप इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, तो इसको इंचेस में आप कन्वर्ट कर लें, जौन सा भी डेंसिटी का यूनिट बनेगा रश के ऊपर। लेट्स से आप इसको कह सकते हैं कि पर मिनट्स में 10 व्हीकल्स गुजरती हैं, या पर मिनट्स में 50 व्हीकल्स गुजरती हैं, तो आप उसी हिसाब से डेंसिटी का यूनिट भी फाइंड आउट करके यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने बेसिकली टाइमर के फंक्शंस को कॉल किया हुआ है सिंपली, और एग्जैक्टली सेम ये टाइमर्स हैं, इनको टाइमर्स को आप चेंज कर सकते हैं। ये एल्स की कंडीशन है, यहाँ पर हम टाइम चेंज करेंगे तो जो एलईडीज का टाइम है वो भी चेंज हो जाएगा। बाकी कोड सेक्शन मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे भी हमने एक फंक्शन को कॉल किया हुआ है जो कि पेडेस्ट्रियन का फंक्शन है। वॉक साइकिल कौन सा है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस पुश बटन को प्रेस करने के ऊपर ये वॉक साइकिल चलता है। एंड देन ये हमारा कंप्लीट हुआ कोड, इसको हमने कन्वर्जन किया हुआ है। एंड देन ये एलईडीज हैं कि कौन सी एलईडीज, ये फ्लैशिंग एलईडीज हैं, फ्लैश का लूप है, जो एलईडीज हम पेडेस्ट्रियन के बटन को प्रेस करने के ऊपर ग्रीन ब्लिंक हो रही थी, तो ये एक्चुअली वो वाला लूप काम कर रहा है। टोटल ये हमारा कोड है 330 लाइंस का, इतना ज़्यादा भी कोड नहीं है, ऑलरेडी हम 500+ लाइंस का भी डिस्कस कर चुके हैं। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, और बहुत ही यूनिक सा प्रोजेक्ट बना हुआ है, सो आई होप कि यू लाइक इट। अच्छा, मैं बेसिक्स डिस्कस कर लेता हूँ, एक्चुअली बहुत सारी मुझे मेल्स आ रही होते हैं, काइंडली मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँ तो माइंड नहीं कीजिएगा। 100+ मेल्स मैं पर डे रिसीव करता हूँ, तो इसलिए मुझे हर मेल्स का रिस्पॉन्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं सबको रिप्लाई कर रहा होता हूँ यूजली, और उनको प्रोवाइड भी कर रहा होता हूँ, असिस्टेंस भी दे रहा होता हूँ। सो आपने सिंपली बेसिक से प्रॉब्लम आप लोग पूछ रहे होते हैं जो कि आपको नहीं पता, ये आपको पता होना चाहिए, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आपको सिंपली आना है प्रेफरेंस में, आपको हैक्स फाइल जनरेट करनी नहीं आती, आपने जस्ट कंपाइलेशन बॉक्स को चेक करना है, ये बॉक्स चेक होगा तब आपकी हैक्स फाइल जनरेट होगी। आप हैक्स फाइल जनरेट करने नहीं आती, जस्ट आपको वेरीफाई करना है, इसको आप कोई भी नाम देते हैं, लेट्स मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप हैक्स फाइल के प्रॉब्लम पूछ रहे होते हैं तो अब मैं किस किस को रिप्लाई करूँगा, तो ये आप बेसिक सी चीज़ें ना पूछें, एटलीस्ट कम से कम उस क्वेश्चन लेवल पे तो आएँ जिसका प्रोजेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ऑलरेडी हर वीडियो में हम डिस्कस कर चुके होते हैं, तो काइंडली ये चीज़ आपको, ये हमारी हैक्स फाइल, इसको आपने जस्ट कॉपी करना है।
इससे पहले आपने दो चीज़ें मेक श्योर करनी है, आपका कंट्रोलर जो है वो आर्डिनो मेगा होना चाहिए, आर्डिनो मेगा 2560। क्यों? उसकी मेन वजह यह है कि हमने जो सिमुलेशन में यूज़ किया वो कंट्रोलर वो आर्डिनो मेगा 2560 है। अगर आपने यहाँ पे आर्डिनो उनो यूज़ किया हुआ और आर्डिनो में कंपाइलर में जाके आप जो हैक्स फाइल जनरेट कर रहे हैं वो आर्डिनो मेगा की करेंगे तो आपको डेफिनेटली ऑप कोड का एरर आएगा, क्या यूजली जो प्रोटीस है वो एरर देगा, क्योंकि आपने जो हैक्स फाइल जनरेट किया वो आर्डिनो मेगा के रिस्पेक्टिव से किया जिसकी पिन नोड भी डिफरेंट है और आप चला आर्डिनो उनो रहे हैं। तो अभी ये मेक श्योर करना है कि आपने जो कंट्रोलर सेलेक्ट करना है वो वही सेम एग्जैक्टली यूज़ करना है जो आप सिमुलेशन में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी पिन नोड डिफरेंट है, इसकी स्पेक्स डिफरेंट है, इसकी रेजोल्यूशन डिफरेंट है, इसकी जो वोल्टेज है वो डिफरेंट है, इसकी एनालॉग पिन डिफरेंट है, तो उसमें सारा डिफरेंस है, तो इस वजह से वो आर्डिनो प्रोटीस आपको एरर देगा। तो आपने ये मेक श्योर करना है, ये बेसिक एरर है जो यूजली सब का आ रहा होता है, आप ये चीज़ सेलेक्ट नहीं करते तो आपकी एक्स फाइल भी गलत जनरेट होती है। तो आपने एक्चुअली ये मेक श्योर करना है। सेकेंडली आपने इसको कॉपी कर लेना है एक्स फाइल का ये पाथ। आप ये पाथ कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है आर्डिनो में कंट्रोलर में, राइट क्लिक करना है एडिट प्रॉपर्टीज़, और जहाँ पे आके इसने सेलेक्ट ऑल करके वो कोड अपडेट कर देना है, ये अपडेट हो गया। नेक्स्ट एरर आप क्या कर रहे हैं, इसके बाद आपके पास एक फैटल एरर का एरर आ रहा है। अब फैटल एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने इसकी जो हैक्स फाइल अपडेट की नहीं, इसकी हैक्स फाइल इसकी लाइब्रेरी के साथ ही मिलती है जो अल्ट्रासोनिक सेंसर की अपनी लाइब्रेरी होती है, तो उसके साथ आप जस्ट इसे ऐड करेंगे तो उसके साथ एक हैक्स फाइल की भी फाइल मिलेगी, आपने इसे भी अपडेट करना होता है, इसके बगैर आपको फैटल एरर आएगा। तो आप मेक श्योर कैसे भी आ जाए एडिट प्रॉपर्टीज़ में, अगेन इसके ऊपर ये वाली फाइल होगी, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी हमारे पास ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ये जो है अल्ट्रासोनिक सेंसर की जो TEP फाइल है इसको हमने अपडेट कर देना है, तो अभी हमारा कोड जो है प्रॉपरली काम करेगा। ओके, सो हमारा सिग्नल चल गया। एक और चीज़ आपको सीरियल मॉनिटर शो नहीं हो रहा था यूजली आप, सो बाय लकली हमारे सारे प्रॉब्लम इस वीडियो में डिस्कस हो गए। तो आपने जहाँ पे आ जाना है डिबग सेक्शन में, वर्चुअल टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास वर्चुअल टर्मिनल आ जाएगा, उसके ऊपर मैसेजेस भी आ जाएंगे। ये बेसिक सी एरर है, ये आपके पास नहीं होना चाहिए, देखिए हमारे पास जो ग्रीन आ रहा है बिल्कुल भी हमारे पास कोई वार्निंग वगैरह नहीं है। सो ये बेसिक एरर आप देख लें, क्योंकि आप अगर ये मजे से पूछेंगे तो मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इन बेसिक एरर को डिस्कस करना, मैं वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बहुत ही मतलब एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट बना है जिसको हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया। सॉरी फॉर दैट कि हमने वीडियो को बहुत लेंथी ले लिया, बट ये है कि हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, आपकी लर्निंग हुई होगी, आपको बहुत सीखने का कुछ मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने डेफिनेटली सपोर्ट करना है इस चैनल को, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह इंशाल्लाह फर्दर भी करते रहेंगे। हमने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं एम्बेडेड सिस्टम में, बहुत जल्द हम प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करने वाले हैं, सिमुलेशन भी और एम्बेडेड सिस्टम ESP32 और ऑटोमेशन की तरफ भी आने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट को आपने मुझे मेल कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है डेफिनेटली मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, सबको रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ, मेल के ऊपर भी, कमेंट बॉक्स में भी। तो आपने इस चैनल को प्रमोट करना है, शेयर करना है और इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।